बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 2 शुरू किया और उसके एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने पहले क्वेश्चन आप लोगों को 2.3 और 2.4 में करवाए थे कि यहाँ पे कहता है डिफरेंशिएट करें साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। तो जब विद रिस्पेक्ट टू की बात आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये फंक्शन गिवन होते हैं उनको दो वेरिएबल फंक्शन की सूरत में कन्वर्ट करके हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन एक्स है, ये हमारे पास कॉट एक्स है, पहले पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो आप लोग क्या करें, लेट कर लें, पहला फंक्शन है वाई उसको साइन एक्स का नाम दें, दूसरा फंक्शन है यू उसको कॉट एक्स का नाम दें। ठीक है, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, असल में dy over du, क्योंकि y sin x पे x पे डिपेंड कर रहा है और u भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 को करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy over dx is equal to d over dx, यहां पे आ जाएगा sin x। सेम इसी मेथड से दूसरे को भी करेंगे du over dx और ये हमारे पास आ जाएगा d over dx cot x। ठीक है, तो हमारे पास sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, इसको यहां तक सॉल्व कर लिया। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosecant square x। ये हमने dy over dx और du over dx फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे चेन रूल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाय चेन रूल। क्या है, यहाँ पे y और u का फंक्शन है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy over du is equal to, पहले y वाला फंक्शन निकाल करो जहाँ पे dy वाला फंक्शन होता है, dy over dx है। ठीक है, इसको उलट कर दिया करो, तो ये है dx over du। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाली और ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करके उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dy over du is equal to dy over dx किसके बराबर है, cos x के, मल्टीप्लाइड बाय, इसको उलट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 cosecant square x, माइनस cosecant square x, ये उलट वैल्यू हो जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस cos x, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, 1 ओवर cosecant square x किसके बराबर होता है, sin x square x, क्योंकि sin x का इनवर्स क्या होता है, ये फार्मूले लिख रहा हूँ, 1 ओवर cos x, 1 ओवर cosecant x, और cosecant x के इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर sin x, ये फार्मूले। ठीक है, तो 1 ओवर अगर इनवर्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, पर ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको हम लोगों ने y से लेट करना है, इसको u से लेट करना है, और इस पे जब दो वेरिएबल की सूरत में फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सेकंड का सॉल्यूशन, सबसे पहले फंक्शन को लेट करो y से, ये कितना है sin स्क्वायर x, और दूसरे को u से, ये क्या है cos 4x, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब क्या करेंगे, ये y x पे डिपेंड कर रहा है, u भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy over dx is equal to d over dx, y किसके बराबर है, sin square x, sin square x। ठीक है, और इसी तरह du over dx is equal to d over dx और ये cos 4x। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर डेरिवेटिव से आगे जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी यहाँ पे पावर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं d over dx sin x उसकी होल की पावर, du over dx, d over dx ये है cos, इसकी पावर 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x की पावर 4। अब इस पे हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है कि फंक्शन उसकी पावर n है, तो पावर उसमें से एक कम, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव d ओवर dx sin x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin x cos x। ठीक है, sin cos sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, इस पे भी पावर रूल, पावर उसमें से एक कम,
फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव cos x का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 cos x, उसकी पावर कितना 3, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला माइनस, स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा माइनस 4 cos 3x sin x, ठीक है, sin x, x को ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इस पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल क्या है, यहाँ पे y और u का फंक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे dy ओवर du इज इक्वल टू, पहले y फंक्शन वाला लिख लिया करो, dy ओवर dx है यहाँ पे, इसको उलट कर दिया करो, ये du ओवर dx है, इसको dx ओवर du लिख लो, dx ओवर du, क्योंकि हम लोग ने जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे dy ओवर du है, तो dy ओवर du ऐसे होते हैं, अगर ये राइट हैंड साइड पे x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग dx इसके आमने सामने लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर du और dx किसके बराबर है, यहाँ पे 2 sin x cos x, और ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी, माइनस 4 cos cube x और ये sin x, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये cos x है, ये cos cube x है, ये इससे कैंसिल होगा, cos square x आ जाएगा, 2 अंदर 2 2 टू द 4, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 1 ओवर cos square x, तो माइनस 1 ओवर 2 1 ओवर cos square x क्या होता है, secant square x, ये इसका फाइनली रिजल्ट है।